भाई दो नेता हैं जिनकी चर्चा छत्तीसगढ़ में होती है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, नाम उनका नरेंद्र मोदी है, दूसरे भूपेश बघेल हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि देखो ये फ्री बांटने वाला जो मामला है ना, ये ठीक मामला नहीं है, ये देश को प्रदेश को बर्बाद करने वाला मामला है। और आपके संदर्भ में भाजपा का आरोप यही है, करना वरना कुछ नहीं है, केवल बांटो 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 से राज बनाए रखना है। क्या कहते हैं भूपेश जी? अच्छा, वो अपने मित्रों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे तो वो रबड़ी है, और हम यदि किसानों का कर्ज माफ कर दें तो रेवड़ी है। गजब बात करते हैं मांसू जी। अरे मैंने बात नहीं कर दी, जो सवाल है उस सवाल का आपने नजरिया दिया। अब आपने कहा कि उनका मामला रबड़ी, हमारा मामला रेवड़ी। हाँ हाँ, पर जितने बड़े उद्योगपति हैं, उनके मित्र हैं, उसके लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जी, है ना, तो वो रबड़ी है जी। और यदि हम किसानों के स्वसहायता समूह के यदि कर्ज माफ कर दें, उसके धान की कीमत हम बढ़ा दें, समर्थन मूल्य खरीदी कर दें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे दें, यदि तेंदुपत्ता 2500 से बढ़ा के 4000 कर दें, बस्तर और सरगुजा में जो वनांचल क्षेत्र में जो लघु उपज खरीदी कर रहे हैं उसका समर्थन मूल्य घोषित कर दें, उसमें खरीदी की व्यवस्था कर दें, सब रेवड़ी है।